एवरीवन, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू फाइल ITR 1, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को हम किस प्रकार से भरें ऑनलाइन स्वयं के द्वारा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही आसान स्टेप्स में किस प्रकार से आप अपनी ITR स्वयं फिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम incometax.gov.in ये वेबसाइट हम ओपन करेंगे। आप या गूगल में लिख सकते हैं incometax.gov.in, तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आप यदि पहले से रजिस्टर है तो आपको लॉगिन करना होगा। यदि आप पहली बार फाइल कर रहे हैं ITR तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करके और अपनी पैन डिटेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो जानकारी मांगी वहाँ पर आपको फिल करनी होगी। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना यूजर नेम और ID और जो पासवर्ड है वो फिल करना है। आपके जो यूजर नेम है, ID है, यूजर ID है, वो होगा आपका पैन नंबर। तो आप अपने पैन नंबर यहाँ फिल कर लें। तो यहाँ मैंने पैन नंबर फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ कंटिन्यू पे जो हम क्लिक करते हैं, उसके बाद आप पासवर्ड फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड द्वारा रीसेट कर सकते हैं। फिलहाल मेरा सेशन एक्टिव था तो मैंने लॉगिन हेयर पे क्लिक किया। लॉगिन पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ आपकी जो पर्सनल डिटेल है, पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ आपको प्रदर्शित होगी। यदि इसमें किसी प्रकार चेंजेस है तो यहाँ आप अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी एक्टिविटी, जो लॉगिन की एक्टिविटी है, वो यहाँ आपको नीचे दिखाई देगी कि लास्ट टाइम आपने कब लॉगिन किया था। तो यहाँ अब आप देख सकते हो फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021, यानी 31 मार्च 2021 जो फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो रहा है उसकी रिटर्न करने के लिए आपको जो असेसमेंट ईयर है वो 21-22 होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022। तो उस असेसमेंट ईयर के लिए हमें करने के लिए फाइल नाउ पे हमें आप यहाँ क्लिक करना होगा। जो ही हम फाइल नाउ पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ये फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ आपको असेसमेंट ईयर 2021-22 सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोई टैब यहाँ नहीं खुलेगा, आपको सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने यहाँ सेलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग बोलेगा। यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ मैं आपको ऑनलाइन के लिए रिकमेंडेड करूँगा कि आप ऑनलाइन ITR फाइल करें, या ऑनलाइन पे क्लिक करके आगे आप बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट न्यू फिलिंग, तो यहाँ स्टार्ट न्यू फिलिंग पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने तीन ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, इंडिविजुअल, HUF और अदर्स। यहाँ आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है क्योंकि मैं यहाँ आपको ITR 1 जो सहज है फाइल वो रिटर्न करना बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल में आप किस प्रकार से आपको भरनी है, किसी कंपनी के लिए नहीं है। तो आप इंडिविजुअल पर यहाँ क्लिक करेंगे और सीधा आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हो यहाँ ITR फॉर्म, तो यहाँ आपको ITR फॉर्म का सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा ITR बनना चाहते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया हम यहाँ व्यक्तिगत रूप बता रहे हैं, तो ITR 1 यहाँ आपको फाइल सेलेक्ट करना है और यहाँ प्रोसीड विद ITR 1 पे आपको क्लिक करना होगा। जो ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ तीन स्टेप प्रदर्शित होगी कि आपको सबसे पहले वैलिडेट करना होगा रिटर्न को, उसके बाद कन्फर्म रिटर्न समरी, उसके बाद वेरीफाई एंड सबमिट यूर रिटर्न। तो यहाँ अब आपको सिंपली लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जो यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ रीजन पूछेगा कि आप ये ITR क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो आपके सामने रीजन है, यदि आपका इनमें से कोई रीजन है तो आप इन पर टिक लगा सकते हैं, अन्यथा आप अदर्स पे टिक करके और आगे कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो मैं भी यहाँ सिंपली अदर पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। जो ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आगे की स्टेप यहाँ ओपन हो जाती है। यहाँ वेबसाइट की तरफ से हमारे पास एक मैसेज प्रदर्शित होगा पॉपअप, उसको हम यहाँ ओके कर देते हैं। तो यहाँ आपके सामने ये रिटर्न समरी का ऑप्शन प्रारंभ हो जाएगा। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे। यहाँ पहले सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको आपको कंफर्म करना है, उसके बाद नीचे के जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएंगे। तो पहले आपको यहाँ कंफर्म करना है, और यदि आपके पास फोन नंबर छोड़ा है, पहले से डिडक्शन हो रहा है आपका, तो यहाँ पूरा डाटा आपका ऑटोमेटिक फेस हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको अपना सारी जानकारी, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो दिखाएगा। उसके बाद है नीचे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, यहाँ यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको सेलेक्ट करना है। या इसके अलावा यदि आप पब्लिक सेक्टर में है या अदर, या फिर आप अदर पे क्लिक करके भर सकते हैं। फिलहाल यहाँ मैं स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी हूँ। इसके बाद यहाँ आपको
फिलिंग सेक्शन है वो यही सेलेक्ट रखना है 139(1) में, इसके अंदर जो आपको आइटम फाइल करना है। ये करने के बाद यहाँ नीचे आपको ये आप देख सकते हो, यदि आप ओल्ड में ओल्ड रेजिम में करना चाहते हैं या न्यू में, कौन से में फिल करना चाहते हैं। यदि आप ओल्ड में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है, यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में करना चाहते हो तो आपको यस करना है। फिलहाल मैं ओल्ड में कर रहा हूँ, नो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ बैंक डिटेल आपको दिखाई देगी। यहाँ बैंक डिटेल पहले से एड है हमारी, और यहाँ आप देख सकते हो जिसमें हम रिफंड करना चाहते हैं तो यहाँ हमारे ओन है। यदि हमारी बैंक डिटेल एड नहीं है तो यहाँ एड अनोदर करके यहाँ और बैंक को बैंक के जो डिटेल्स है वो ऐड कर सकते हैं। हमारे पास एक से अधिक बैंक अकाउंट में आप दे सकते हैं, लेकिन जिसमें हम रिफंड करना चाहते हैं उसको यहाँ सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट फॉर रिफंड इस ऑप्शन के द्वारा। उसके बाद आपको यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ये पहला स्टेप हमारा कन्फर्म हो चुका है। अब यहाँ दूसरा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम है, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारी जो टोटल इनकम है, ग्रॉस सैलरी है, सैलरी से अदर सैलरी से जो भी हमारी इनकम है वो हम यहाँ फिल करनी होगी। तो आपके सामने ये ऑप्शन खुलेंगे क्वेश्चंस, इसको आप यहाँ स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद आप यहाँ आगे बढ़ेंगे, ग्रोस सैलरी भरने के लिए यहाँ आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने ऑप्शन प्रारंभ हो जाएंगे। अब यहाँ आपको जो सैलरी है आपकी वो यहाँ आपको फिल करनी है। यहाँ आप अपने फॉरन नंबर 16 से इसे भी भर सकते हैं। यहाँ आप अपनी ग्रोस सैलरी सेक्शन 57 में आपको फिल करनी है। उस पर आपकी अलग से कोई यदि छूट हो कोई अलाउंस में तो आप यहाँ उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ कोई नहीं है मेरे, हम यहाँ नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ आपकी डिडक्शन आएंगी, तो यहाँ आप डिडक्शन देख रहे हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरा 50,000 यहाँ दिखा रहा है, ऑटोमेटिकली आ रहा है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ आपको सेव पे क्लिक कर देना है, तो आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो भर चुकी है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि कोई आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो वह यहाँ ऐड कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स से यदि कोई आपकी इनकम है तो वह ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो जाएगी। जैसे आप कोई FDR है बैंक में, अन्य कोई सोर्स यदि आपका है बैंक से जो लेन देन होता है TDS से, तो वह यहाँ ऑटोमेटिकली आपका शो होगा। उसके बाद यहाँ आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। जो यहाँ आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो आपका ये दूसरा जो ऑप्शन था ग्रॉस टोटल इनकम का, ये भी कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ तीसरा ऑप्शन है टोटल डिडक्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे जो भी कटौतियाँ हुई है वो आप यहाँ पे शो करेंगे। तो जो ही हम डिडक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ कुछ यहाँ ऑप्शन ऑफ प्रारंभ हो जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ आपको ये सुनो करनी है। जैसे पहले जो पुराना पोर्टल था उस पर SSC, SC जो भी उस प्रकार से वो सेक्शन आते थे, और यहाँ आपको क्वेश्चंस के रूप में यहाँ मिल जाएंगे कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। यहाँ जो आप आई बटन देख रहे हो इस पर क्लिक करके इसके बारे में पूरी जानकारी आप देख सकते हो कि डोनेशन टू स्पेसिफिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और एलिजिबल फॉर डिडक्शन फॉर टैक्सेबल इनकम, यानी ऐसी किसी चैरिटेबल संस्थान को आपने डोनेट किया है जो इनकम टैक्स के दायरे में आती है, यानी कटौती में जिसकी छूट मिलती है, ऐसे में ये किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को आपने डोनेट किया है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है। इसी प्रकार से आगे जो ऑप्शन आपको यस नो पे क्लिक करना है। छूट चाहते हैं यदि आपने कोई डोनेट किया है तो SCG के तहत आपको इस प्रकार से डिटेल फिल कर लेनी है और यहाँ आपको सेव पे क्लिक कर देना है। चेक करके यहाँ ऐड पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा डोनेशन ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा टोटल डिडक्शन के अंदर। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल डिडक्शन, ये तीनों कन्फर्म हो चुकी है। अगला नेक्स्ट टैक्स पेड आ रहा है, हमने कितना टैक्स पेड किया, यहाँ अमाउंट हमें शो होगा, इस पर क्लिक करके हमें जांच कर सकते हैं। उसके बाद टोटल टैक्स लाइबिलिटी, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी कितनी लाइबिलिटी और बनती है, यानी जितना हमने टैक्स जमा कराया है क्या हमारा और टैक्स अभी बाकी रह गया है। यदि नहीं है तो यहाँ अमाउंट जीरो ही शो होगा, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। इंटरेस्ट एंड फी पेएबल जो बता रहा है यहाँ टैक्स, यहाँ जीरो अमाउंट बता रहा है, यहाँ हम इसको कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म हो चुकी हैं और यहाँ आप एक साइन दे सकते हो, यू आर डन, क्लिक प्रोसेस। अब यहाँ हमें प्रोसेस पे क्लिक करना है, तो यहाँ जो हम प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन वैलिडेट रिटर्न हो चुका है। अब कन्फर्म योर रिटर्न समरी करना है, यहाँ यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड 100 रुपीज़, जो हमारा रिफंड है वो यहाँ हमारा शो होगा। इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसकी जो समरी है ये डाउनलोड हो चुकी है, इसका हम प्रिंट लेके या फिर PDF फाइल के रूप में सेव हो चुकी है, तो उसको हम एक बार देख सकते हैं कि जो भी हमारी भरी गई है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। इसके बाद
ये चेक करने के बाद आपको यहाँ प्रोसेस प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपको अपने रिटर्न का पूरा प्रीव्यू दिखाई देगा, जिस प्रकार से इसका जो ऑफिशियल फॉर्म होता है रिटर्न का वो यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ हमारा नाम और फादर्स नेम यहाँ आ चुका है और यहाँ सेल्फ करके हम यहाँ घोषणा करनी होगी और यहाँ इसको सबमिट करना होगा। उसके बाद प्रोसेस टू प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, फॉर्म ITR1 सहज असेसमेंट या 2021-22 यहाँ आपको पूरा भरा हुआ यहाँ आपको दिखाई देगा। जो भी डिटेल्स आपने भरी है, जितने भी पेज हो सब यहाँ आपको दिखाई देंगे और यहाँ प्रोसेस टू वैलिडेशन पे क्लिक करके आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि कोई इसमें कमी तो नहीं है। यदि कोई ऑप्शन इसमें फेल होने से रह गया है तो यहाँ आपको बता देगा। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं प्रोसेस टू वैलिडेशन पे क्लिक करके। जो भी मैंने इस पर क्लिक किया तो भी आप देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है, नो एरर वर फाउंड। अब यहाँ आप प्रोसेस टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके यहाँ इसको ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं अपने आधार पे जो OTP आएगा उसके द्वारा, और फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इस OTP के द्वारा आप इसको वेरीफाई करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं।